Shaw. मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमि पर, अमर सिंह राठौड़ की भूमि पर युवाओं की आवाज ऐसे होगी क्या? मोदी जी दिल्ली में है, उनको सुनाई पड़ना चाहिए। जोधपुर के अंदर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदनलाल सैनी जी, राजस्थान प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद ओम जी माथुर जी, यहाँ के संगठन के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान पी मुरलीधर राव जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमान प्रीपी चौधरी जी, नारायण लाल पंचारिया जी, श्री राम नारायण डूडी जी, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक श्री हर्ष संघवी जी, श्री नाहर सिंह जोधा जी, और आज इस युवा मोर्चे के सम्मेलन में आए हुए मेरे जिगर के टुकड़े जैसे मेरे युवा भाई और भाई, आपका सेट हो गया है तो बैठ जाओ जरा, मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं यहां से। ओ मीडिया के दोस्तों बैठ जाओ जरा प्लीज। अरे यार, एलईडी को क्या देखता हो, जीता जागता नमूना तेरे सामने खड़ा है, एलईडी क्या देख रही है तुझे? बोले भारत माता की। मित्रों, आज राजस्थान की वीर भूमि पर जोधपुर सूर्य नगरी में युवाओं का ये समंदर देखकर हृदय को अति हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई। मुझे भी मेरे भारतीय जनता पार्टी का जब मैं कार्यकर्ता बना था वो दिन याद आते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं। और शायद ही देश भर की सभी राजनीतिक दलों में अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ समिति का अध्यक्ष रहते 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 आगे आया है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आपके सामने। मैं भी आपकी तरह बूथ से मेरी राजनीति की यात्रा शुरू की। अहमदाबाद में संघवी हाई स्कूल के बूथ नंबर 295 में मैं बूथ समिति का अध्यक्ष हुआ करता था मित्रों, और आपकी तरह ही मतदाता की पर्ची बांटने का काम करते करते पर्दा पोस्टर बैनर लगाते लगाते आज पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं विश्व भर की पार्टियों में इसी भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि बूथ पर पर्दा लगाने वाला व्यक्ति, बूथ पर कमल उतारने वाला व्यक्ति,
पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इसे देश ये भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी में संभव नहीं है। सारी पार्टियों का इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी पार्टी में लोकतंत्र ही नहीं बचा। मुझे कई बार ये जर्नलिस्ट पूछते हैं कि अमित भाई आप खुद ही अपने बखान कर रहे हो अपनी पार्टी के, कि आपके अकेले की पार्टी में लोकतंत्र है। मैं उनको कहता हूं, पूछता भी था पहले कि भाई सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, किसी के मन में शंका है क्या? सबको मालूम था कौन बनेगा। अरे नाम नहीं पूछता भाई, वहां पर अध्यक्ष बनने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। एक परिवार में जन्म लेने से ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। और मैं आज ये सबको पूछता हूं, मुझे बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। मेरे जैसा ही नीचे के स्तर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति ये पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये महान पार्टी है मित्रों, ये पार्टी की परंपरा को युवा मोर्चे ने चलाकर रखना है। ये जितने बड़े नेता बैठे हैं यहां पर 50 साल के बाद कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं भी नहीं दिखाई पड़ूंगा, मगर मेरे सामने बैठे हैं उनको 25, 50, 75 साल तक पार्टी को आगे ले जाकर एक परंपरा को देश को आगे बढ़ाने की आदत। यह युवा मोर्चे की जिम्मेदारी है। युवा मोर्चा इतिहास को समझे, पार्टी की परंपराओं को समझे, पार्टी की कार्य संस्कृति को समझे, पार्टी के बड़े नेताओं ने किए हुए काम और किए हुए संघर्ष को समझे। मित्रों, ये पार्टी आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है, वो पार्टी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी। ये पार्टी ने ऐसे दिन देखे हैं कि जो प्रत्याशी तय करते थे उसकी अगर जमानत बच जाए तो पार्टी देते थे आइसक्रीम की, कि भाई जमानत बच गई है चलो आनंद का विषय। दूर दूर तक विजय का नाम नहीं था। विचारधारा को लेकर अनगिनत सालों तक काम करने वाले हमारे तपस्वी पुरखों ने ये पार्टी को यहां पर पहुंचाया है। 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर आज दुनिया के सामने खड़ी है। 1800 से ज्यादा हमारे विधायक देश की अलग अलग संसद के अंदर बैठे हैं। 19 सरकारें, 330 संसद सदस्य हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे वैभव जो आज आप लोगों को आगे ले जाने के लिए मिल रहा है, वो वैभव तपस्या के बगैर, वो वैभव पसीने के बगैर, वो वैभव कर्मठता के बगैर, वो वैभव पार्टी के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। ये पार्टी को जो विजय यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, वो विजय यात्रा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और युवा मोर्चा एक जिम्मेदारी को बहुत खूबी से उठाए। सिर्फ जोश से काम नहीं चलता, सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को समझकर एक कठिन रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे तब जाकर यह विजय यात्रा हमारी चालू होगी। मित्रों, आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की
लोकप्रियता चरम सीमा पर। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, आज हमारा नेतृत्व दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति आज हमारा नेतृत्व कर सकता है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे मेहनती व्यक्ति, मेहनती नेता, परिश्रमी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे प्रामाणिक नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे विजनरी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश के 70% भूभाग पर सरकार बनाकर आज सेवा का काम कर रही है, देश के 70% भूभाग पर। और इसको टिकाने की जिम्मेदारी, आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं, देश की आज की राजनीतिक परिस्थिति को युवा मोर्चे का कार्यकर्ता समझे, बहुत जतन के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये पार्टी को आगे ले जाकर यहां पहुंचाया गया है। और यहां पहुंचाते पहुंचाते चार पीढ़ियां हमारी समाप्त हो गई और ये विजय यात्रा आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब देश में महागठबंधन का एक ढकोसला चर्चा में आता है। गौरव के साथ कहते हैं हम सब इकट्ठा होंगे, मोदी को हराएंगे। उनका एजेंडा गरीबी को हटाने का नहीं है, उनका एजेंडा बेरोजगारी हटाने का नहीं है, उनका एजेंडा देश के दुश्मनों को हराने का नहीं है, उनका एजेंडा भ्रष्टाचार हटाने का नहीं है, उनका एजेंडा युवा को आगे बढ़ाना नहीं है, उनका एजेंडा मोदी को हटाना है। भाई आपको आपका एजेंडा मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हमारे नेता मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और ये नेगेटिव एजेंडा लेकर निकले हुए सारे लोगों को देश की जनता भी जानती है। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं, आज देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में भ्रांति क्या है। गठबंधन एक गठबंधन ढकोसला है। ये सब जो गठबंधन के नेता है वो सारी पार्टियों को 2000 चुनाव में हम अकेले अपने अपने राज्य में हराकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और किसी का भी कोई दूसरे राज्य में किसी प्रकार का फॉलोइंग नहीं। मुझे बताइए ममता दीदी की यहां सभा होगी तो क्या असर होगा, देवगुड़ा जी की गुजरात में सभा होगी क्या असर होगा, भाई अखिलेश आकर मध्य प्रदेश में सभा करेंगे क्या फर्क पड़ेगा। मित्रों ये सब अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने हार कर आए हैं। एक गठबंधन नहीं, सिर्फ गठबंधन, सिर्फ गठबंधन का ढकोसला कर भ्रांति खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देश की जनता ने इस गठबंधन को समझना है। एजेंडा क्या है, विचारधारा क्या है, लक्ष्य क्या है, एजेंडा क्या है मोदी को हराना, विचारधारा क्या है मोदी को हराना, लक्ष्य क्या है मोदी को हराना, अचीवमेंट क्या है मोदी को हराना। कहीं देश नहीं है मोदी 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 फोबिया हो गया है नरेंद्र मोदी के नाम से। और कैसे मुद्दे पर एकत्रित आते हैं, अभी आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं भी जब युवा था तब नारे लगाते थे घुसपैठियों को निकालने के लिए। आसाम में हमारी सरकार बनी, हमने सिटीजन रजिस्टर बनाने की शुरुआत की, एनआरसी बनाया, 40 लाख घुसपैठियों को
प्राथमिक दृष्टि से रजिस्टर किया, उनको मतदाता सूची से निकालने की प्रक्रिया चालू की। जैसे ही 40 लाख घुसपैठिए रजिस्टर हुए, हाय तोबा हो गई, हाय तोबा हो गई, सारे एकत्रित आ गए जैसे नानी मर गई। अरे भाई बचा लो इनको, क्यों निकालते हो, ये बेचारे कहां जाएंगे, इनके मानव अधिकार क्या क्या है, इतने सालों से यहां रह रहे हैं। मुझे बताए युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देश की जनता हमारे साथ, ये कोई, ये देश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकालने की व्यवस्था करने के लिए देश की जनता हमारे साथ है। मगर गठबंधन के सारे नेता, मैं आज इस मंच पर से चैलेंज करता हूं, पहले एक बार अपनी नीति राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट मांगने से पहले तय करें कि घुसपैठियों को निकालने के लिए आपकी नीति क्या है। आपके लिए वोट बैंक की राजनीति प्रमुखता है या देश की सुरक्षा प्रमुखता है? हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे लिए मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वाधिक प्रायोरिटी है, हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। और आपके रुकने से नहीं रुकेगा, देश की जनता अब जागरूक हो चुकी, आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा, और जितना जोर से बोलोगे जनता आपको इतनी अधिक जान लेगी। और ये सारी बातें जब हम कहते हैं तो हमें अलग थलग करने का प्रयास है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कठोर कार्यवाही की, पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए। फिर से सारे इकट्ठे हुए, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं आज फिर से इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई भी अगर बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए? वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, आप मेरी पार्टी की टीका करिए कोई नहीं बोलेगा, मेरे सामने अनर्गल आरोप लगाइए कोई नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री जी के सामने अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कोई नहीं बोलता है, मगर भारत माता के सामने आवाज उठाने की जो हिम्मत करेगा उसको हम जरूर दबाने का प्रयास करेंगे। कानून के आधार पर उनको रोकना इस शासन का दायित्व है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने अर्बन माओवादियों को पकड़ा, फिर से हाय तोबा हो गई, क्यों पकड़ा उनको, क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ा, क्यों भाई, चचेरे भाई लगते हैं क्या? मैं देश की जनता को इस सम्मेलन के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश के अंदर मोटर लाकर, मोटर खरीदकर अराजकता फैलाने वाले लोगों को जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए, देश के अंदर जातिवाद का जहर फैलाने वाले लोगों को जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र करने के लिए पत्र विहार करने वाले लोगों को जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म करो, किसको बचाने के लिए निकले हुआ? और यही गठबंधन का एजेंडा है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को कि आप स्पष्ट करो एनआरसी पर आपका खुद का क्या मत है, आप स्पष्ट करो कि भारत विरोधी नारों के लिए आपका क्या मत है, आप स्पष्ट करो
कि अर्बन माओइज्म के ऊपर सख्त कार्यवाही के लिए आपका क्या मत है, बाद में देश की जनता के सामने वोट मांगने के लिए नहीं। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलेगी। आपने आपके स्टैंड देश की जनता के सामने स्पष्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर देश की जनता आप पर भरोसा करेगी। मित्रों, राजस्थान के अंदर और देश के अंदर कुछ ही समय के अंदर चुनाव आने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राजस्थान में भी है, और दोनों सरकारों ने युवाओं को संबल देने का अपना एजेंडा निश्चित किया। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं को एक मंच देकर विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करे, इसलिए सरकार की पूरी मशीनरी का उपयोग कर वैश्विक स्तर पर हमारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करे। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 70 साल के बाद इस देश के अंदर किसी एक सरकार ने स्किल इंडिया के नाम से स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय खोलने का काम किया और भारत के करोड़ों युवाओं को तजग्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया स्किल इंडिया के माध्यम से। और आज 1 करोड़ से ज्यादा युवा कौशल विकास के माध्यम से अपनी कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़े लिखे युवा, तेज तर्रार युवा, उनको सरकार की ओर से कोई समर्थन नहीं था। विश्व के बाजार के अंदर, विश्व के पटल पर किसी भी तरह से हमारा युवा विश्व के युवा से पीछे नहीं है, मगर सरकार ने उसको मंच नहीं दिया। मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश के लाखों युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का हौसला भी दिया, सहायता भी दी, और ढेर सारे स्टार्टअप आज दुनिया के बाजार के अंदर भारत के नाम से धूम मचाकर खड़े। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने, देश का दलित आदिवासी उसके युवा को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए, अपना बिजनेस खुद करने के लिए मदद नहीं मिलती थी क्योंकि वो गरीब है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण के अंदर स्टैंड अप युवा, स्टैंड अप इंडिया नाम की योजना की घोषणा कर देश की सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को इंगित किया कि दलित और आदिवासी युवाओं को आगे बढ़ाइए, उनको आप सहायता करिए। मुद्रा बैंक के माध्यम से 12 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर, कम ब्याज के साथ देने की योजना देश के प्रधानमंत्री लेकर आए और युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेलों को भी बहुत बड़ा महत्व दिया। 70 साल में हम ओलंपिक देखते रहे, एशियन गेम्स देखते रहे, तालिका में हमारा नाम कहीं नहीं था। इस बार एशियन गेम हुई तो हर रोज एक ट्वीट करना पड़े, 2 ट्वीट करना पड़े, 5 ट्वीट करना पड़े, इस प्रकार से हमारे युवा 4 ही साल में। मणिपुर के अंदर एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का काम, एक बिल लेकर, कानून लेकर हम आए और वहां काम शुरू हुआ। खेलो इंडिया के माध्यम से 3500 से ज्यादा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का काम और खेलने के लिए आगे बढ़ने का काम, 1000 से ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 साल तक 5 लाख रुपया की सहायता, एक खिलाड़ी को 40 लाख रुपए की सहायता अपनी ट्रेनिंग के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। ओलंपिक को ध्यान में रखकर हर खेल के अंदर टॉप खिलाड़ी को 50,000 रुपया प्रति माह अगले ओलंपिक तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पेंशन 2 गुनी कर
युवा खेल को अपनी करियर बनाए, इस दिशा में आगे बढ़े। गुजरात के गांधीनगर में पैरा एथलीट के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक स्टेडियम बनाने का काम, प्रशिक्षण बनाने का काम भी हमने किया। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए 7 ITI, 7 IIM, 14 IIIT, 1 NIT, 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालयों की स्थापना कर युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी की, 70,000 से 80,000 रुपया, PhD और शोध के लिए 2 लाख रुपया और अभिनव कौशल के लिए 2400 अटल टिकरिंग लैब्स की स्वीकृति देने का काम, जिसमें 20 लाख रुपया दिया जाएगा प्रत्येक स्कूल को, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। UGC में 60 विद्यालयों को छानकर उसको ऑटोनॉमी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, मोदी जी एक ऐसी देश की रचना बनाने की दिशा में है जिसमें जब